आज नारायण में हमारा तीसरा दिन है। सुबह के 6 बजे हैं। हम चारों बड़े नारायण में वॉक पर गए थे, तो वापसी में हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। चना एंड नान बहुत ही यमी नाश्ता था। बच्चे अभी अभी नाश्ता करने गए हैं, बस वो वापस आ जाते हैं तो हमारी रवानगी होगी। हमारा सामान भी बिल्कुल रेडी है, गाड़ी में पैक करेंगे और रवाना होंगे पटाकुंडी के लिए। लेकिन रास्ते में रिवर राफ्टिंग भी करेंगे। नारायण से अभी निकले ही थे तो ड्राइवर भाई ने बताया कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट एडवेंचर भी मौजूद है। हम लोग नारायण से निकले हैं और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर हैं और यहाँ पर हम लोग राफ्टिंग करने आए हैं। राफ्टिंग शुरू करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने शूज़ या जॉगर्स नहीं पहनने, कैमरा या मोबाइल एक बंदा ही रख, लाइफ जैकेट जरूर पहननी है। इंस्ट्रक्टर की हिदायत पर अमल करना ज़रूरी होता है क्योंकि रिवर राफ्टिंग एक टीम वर्क होता है और हम सब ने लाइफ जैकेट के साथ साथ रेन कोट भी पहन लिए थे, इसकी वजह से काफ़ी हद तक भीगने से बच गए थे। ये नुसरत की लाइफ जैकेट रह गई थी, वो इस इंतजार में बैठे हैं, अब लाइफ जैकेट आएगी तो नुसरत लाइफ जैकेट पहनेंगे। राफ्ट चलाने के लिए आपको 3 कमांड मिलेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड, बैक एंड स्टॉप। फॉरवर्ड पे पानी को आगे से पीछे खींचने, ठीक है, जोर के साथ, और बैक पे पीछे से आगे धकेलने पानी को। स्टॉप पर पेडल आपकी गोद में होना चाहिए इसी पोजीशन में, ठीक है। फॉरवर्ड फ्रंट टू बैक, बैक बैक टू फ्रंट, ठीक है, समझ आ गई? ओके, आया कैप्टन, आया कैप्टन, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, हवा भी प्यारी है। आगे लेफ्ट राइट दोनों साइडों से पानी आएगा, जगह से किसी ने उठना नहीं है, ठीक है, बहुत तेज होगा। स्टॉप है क्या जी? आप पेंटिंग कैसे करें, ठीक है, लेफ्ट प्लेट को फुल डीप रख के जोर लगाने पानी में, ठीक है, पीछे खींचने पर चले, फॉरवर्ड करें, आज जोर से पानी में पीछे खींचे, फॉरवर्ड करें, जोर से बिल्कुल, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। राफ्टिंग के इख्तितामी मकाम पर एक अलग दुनिया आबाद है। जुलाई अगस्त फुल पीक सीजन होता है तो सयाहों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। रिवर राफ्टिंग का यह डेड एंड है। यहाँ आकर जब सारी बोट जमा हो जाती है तो जीप में लोड करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाते हैं। दरियाए कुनार में राफ्टिंग एडवेंचर अलग ही लेवल का था। ठंडे पानी के छींटे और ठंडी हवा के झोंके, सुबह कैसा एक्सपीरियंस?
बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी इंजॉय किया, पानी बहुत ठंडा था। एक वक्त में कश्ती में 12 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है, इंस्ट्रक्टर भी आपके साथ ही होता है। जून जुलाई में ग्लेशियर पिघलने की वजह से दरियाए कुनार बहुत तेज और रफ होता है, तो आप 70-80% भीग जाते हैं। लेकिन हम लोग सितंबर के एंड में आए हैं तो दरिया इतना रफ नहीं है। दरियाए कुनार पर राफ्टिंग के मज़े के साथ साथ भुट्टो का मज़ा भी लिया गया है। अब हमारे सफ़र का दोबारा आगाज़ तो हो गया है, लेकिन बटाकुंडी से पहले बहुत ही खूबसूरत आबशार आता है। वहाँ पर आप लोग कुछ देर स्टे कर सकते हैं, तस्वीरें बनाकर अपनी इन यादों को महफूज बना सकते हैं। हाँ जा, जाओ जाओ ऊपर बैठ सकते हैं, जाओ सारे नहीं। अगर आप लोग जून जुलाई में नारान से बाबूसर टॉप जा रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह के ग्लेशियर की दीवारें देखने को मिलेंगी। सितंबर अक्टूबर में इस तरह का क्लीन मौसम मिलेगा और पहाड़ों पर दूर कहीं कहीं बर्फ भी दिखाई देगी। हॉस्टल बटाकुंडी से सीधे हाथ पे लालाजार का जीप ट्रैक शुरू होता है। जीप आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और होटल जाकर भी जीप बुकिंग करवा सकते हैं। बच्चों ने भी गाड़ी की छत पर बैठकर इस हसीन सफर को खूब एंजॉय किया है। चेक पोस्ट के बाद बटाकुंडी की वादी शुरू होती है। बटाकुंडी इज 8607 फीट अबव ओशन लेवल। अगर मूड है अभी थोड़ी देर नमाज वगैरह पढ़ लो, सोच लो। ओके Let's go.
अभी शाम के 5 बजे हैं और हम 3 बजे ना बट्टाकुंडी पहुंच गए हैं। नारान से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पहुंच के हमने खाना खाया है जो कि हमने टिन पैक करवाया था, कराची से पैक करवाया था, लेकिन वो इतना मज़ेदार नहीं था, दोनों डिशेज़ इतनी मज़ेदार नहीं थी। और बस अभी हम यहाँ बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रात यहीं रुकेंगे। लंच टाइम था तो हमने सोचा पहले लंच करते हैं और जहाँ लंच किया है वो जगह भी आपको दिखा दें, फिर होटल चेक इन करेंगे। खाने में टिन पैक पसंदे एंड कोफ्ते हैं जो कि हम में से किसी को पसंद नहीं आया। लाइफ में पहली बार हम लोग टिन पैक खाना लाए थे लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। थोड़ी ही देर में आंधी के बाद हल्की बारिश ने लंच का मज़ा दुबाला कर दिया। दरियाए गुनहार का किनारा, खूबसूरत व्यूज और हल्की बारिश, इतना अच्छा लग रहा था। लंच के बाद होटल की तरफ जाते हुए आपको बट्टाकुंडी का बाजार भी दिखा दें। ये बट्टाकुंडी का मेन बाजार है। बट्टाकुंडी की खूबसूरत मस्जिद के सामने इस शॉप से हमने रात के खाने के लिए चिकन और मटन भी ले लिया था। लालाजार के लिए जीप की बुकिंग भी यहाँ से करवा ली थी। नारान से बट्टाकुंडी का डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। बट्टाकुंडी का अगला मकाम बड़वाई है जो कि 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जलखंड के बाद झील लोलोसर और फिर बॉक्सर टॉप आता है। हमारे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पहले प्याला झील, झील लोलोसर एंड बाबूसर टॉप भी लेकर जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट पंजाब टिक्का हाउस है जहाँ पर खाने की सबसे ज्यादा वैरायटी है। खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करते हुए अपने होटल पहुंच गए हैं। आप लोगों को होटल का व्यू भी करवा दें। हमें ये जगह इतनी अच्छी लगी है कि बस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्किंग में ऐसी 3 गाड़ियां हैं, लेकिन मैं आपको रात में होटल की पार्किंग दिखाऊंगी। ये खूबसूरत मंजर, पहाड़ों पर बर्फ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम सबको बट्टाकुंडी बहुत पसंद आया और यही सोचा कि जब भी नारान आएंगे, नारान में नहीं बट्टाकुंडी में ही स्टे करेंगे। न्यू फर्निश रूम में जरूरी हिदायत नामा भी आवेजा किया गया है जिसमें होटल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। खूबसूरत व्यूज के साथ हमें ये होटल बहुत ही पसंद आया। यहाँ के व्यू की एक खास बात, मोस्टली होटल्स में आप लोगों को वाइट टॉवल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड एंड पिंक टॉवल दिए गए जो कि हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ट्रेवल में हमेशा अपना टॉवल अपने साथ रखते हैं। अभी हम बट्टाकुंडी में बैठे हैं, बालाकोट, नारान और बट्टाकुंडी। यहाँ पर टेलीनॉर के ही सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं और लाइट का भी यहाँ पर तीनों जगह ही, बालाकोट में तो खैर बहुत ज़्यादा लाइट का, जब हम लोग पहुँचे तो बारिश हो रही थी तो उस वजह से पूरी रात लाइट नहीं थी। सुबह खैर हम नारान के लिए रवाना हो गए थे, नारान में भी लाइट का इशू था, वहाँ पर भी लाइट की टाइमिंग है। अब यहाँ हम बट्टाकुंडी आए हैं, लेकिन बट्टाकुंडी में यह है कि यहाँ पर लाइट की टाइमिंग है 6 बजे से और रात तकरीबन 1 बजे तक आपको लाइट मिलती है जनरेटर के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पर इस होटल में तो खैर सोलर का है सिस्टम, तो वो आप सिर्फ एक लाइट ऑन होती है। दूसरा गर्म पानी का यह है कि गर्म पानी भी सुबह 4 बजे से और 8 बजे तक की टाइमिंग है गर्म पानी की। और तीसरा सिग्नल का है, सिग्नल यहाँ पर सिर्फ टेलीनॉर के ही अच्छे हैं, वारिद यानी कोई दूसरा नेटवर्क के सिग्नल यहाँ पर नहीं आते हैं। यानी बालाकोट से नारान एंड बट्टाकुंडी यहाँ पर तीनों जगह पर ही टेलीनॉर के ही सिग्नल। मल्टीफॉर्म के ये स्टॉप बड़े अच्छे लगाए। अभी शाम के 5 बजे हैं, हम लोग दरियाए कुनहार के किनारे जाकर बैठेंगे और रात का खाना खा कर ही वापस होटल आएंगे।
2013 में नारान इतना गुंजान नहीं था, इसी तरह का था जैसे अभी बटागुंडी है। गिनती के होटल्स, दूर दूर कहीं खाने के रेस्टोरेंट। लेकिन कुछ सालों के बाद यहाँ का हाल भी नारान जैसा गुंजान हो जाएगा, इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये दरियाए कोनहार के किनारे पे छोटा सा रेस्टोरेंट है। चिकन में और मटन में भी कढ़ाई बनवाई है, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। होटल रेंट की बात करें तो इस होटल का रेंट 3,000 से 5,000 रुपये के दरमियान है। इनका अपना डाइनिंग एरिया भी है, लेकिन अभी सीजन ऑफ होने की वजह से डाइनिंग एरिया बंद किया हुआ है। अच्छा, रेंट सीजन के हिसाब से भी वैरी करता है। दोपहर में जब हम यहाँ आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि पार्किंग में गिनती की गाड़ियाँ थी, लेकिन अब होटल तकरीबन फुल हो चुका है। जबकि ऑफ सीजन था तो होटल वालों ने ऊपर के पोर्शन पैक कर दिए, लेकिन जब गेस्ट आना शुरू हुए तो मजबूरन होटल वालों को होटल रूम्स खोलने पड़े। वायरल इन्फेक्शन की वजह से गला बहुत ख़राब है। इस तरह की वॉइस अगर बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होटल के रात के बाहर के मनासे भी देख लीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। मन फुल अंधेरे में कहीं कहीं रोशनी। जी आज हम बटाकुंडी में हैं और आज कोई ख़ास कुछ किया नहीं है, बस पूरा दिन रेस्ट किया है, खाया पिया है, एंजॉय किया, थोड़ी सी हल्के फुल्के ट्रैकिंग की है। और सुबह हम जाएंगे लालाजार और वहाँ जो हमने प्लान किया है वो इंशाल्लाह सुबह आपसे शेयर करेंगे। आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।